हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आज हमारी सीरीज के 12वां लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्या है। तो पहला करंट अफेयर्स है कि कमिशनिंग ऑफ सेकंड शिप ऑफ लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मैक फोर्थ। तो है ना, जो सेकंड शिप है LCU का मैक फोर्थ, इसको है ना कमीशन कर दिया गया है। तो इंडिया LCU L52 द सेकेंड शिप ऑफ लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मैक फोर्थ वाज रिसेंटली कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी। तो इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। क्या नाम है? इंडिया LCU L52। और क्या जो सेकंड शिप है और किसकी? लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मैक फोर्थ की या मार्क फोर्थ की। इंडिया LCU L52 इज द सेकंड लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मैक फोर्थ क्लास है टू जो इंडक्टेड हुआ, इंडियन नेवी में इंडक्टेड किया गया है। द शिप हैज बीन इंडिजियसली डिजाइंड एंड बिल्ट बाय गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, जो कि कोलकाता में बेस्ड है। तो इसको है ना किसके द्वारा बनाया गया? पहली बात तो जी कि जी है ना अपना इंडिया में बनाया गया है। सेकेंडली इसको किसके द्वारा बनाया गया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है जो कि कोलकाता में है। तो जो LCU मैक फोर्थ है ना विल बी बेस्ड इन अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो है ना जो अंडमान निकोबार में इसको रखा गया है। और ये है ना इस शिप का वो एक एम्फीबियस शिप होगा जो कि जिसका प्राइमरी रोल होगा ट्रांसपोर्ट करना एंड डिप्लॉय करना जो मेन विटल टैंक्स हैं, आर्म्ड व्हीकल्स हैं, ट्रूप्स हैं एंड इक्विपमेंट है ना। इसको इस शिप से लेकर शोर तक इसको है ना ये ट्रांसपोर्ट करेगा और डिप्लॉय करेगा। जितने भी टैंक्स हैं, आर्म्ड व्हीकल्स हैं, ट्रूप्स हैं, इन सबको है ना डिप्लॉय करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा शिप से लेकर शोर तक। द शिप इज कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वेरियस काइंड ऑफ कॉम्बैट इक्विपमेंट। जैसे जो कॉम्बैट इक्विपमेंट जो भी है, लड़ाई के काम जो भी युद्ध के दौरान यूज में आने वाले जो भी हथियार हैं, जैसे कि मेन वेटल टैंक्स, अर्जुन T-72 एंड जो भी अदर व्हीकल्स हैं, सब कुछ क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करेगा। जी सेकेंड शिप है जो कि नेवी में इंडक्ट किया गया है और इसको अंडमान निकोबार में रखा गया है। अगला करंट अफेयर, ट्राई इंक्स कॉपरेशन पैक्ट विद मलेशिया टेलीकॉम रेगुलेटर। तो ट्राई ने जो कॉपरेशन पैक्ट साइन किया है किसके साथ? मलेशियन टेलीकॉम रेगुलेटर के साथ। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई हैज साइंड अ लेटर ऑफ इंटरनेट LOI विद मलेशियन कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया कमीशन, डीपन बायलेटरल कॉपरेशन एंड टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन। तो है ना अब जो इसके ट्राई के मतलब या फिर इंडिया के बायलेटरल कॉपरेशन को टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन में मजबूत बनाने के लिए ट्राई ने मलेशियन कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया कमीशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। LOI मतलब लेटर ऑफ इंटेंट विल हेल्प बोथ रेगुलेटर्स टू जॉइंटली कंडक्टेड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन। क्योंकि है ना जो है ना LOI क्या ये पैक्ट किसमें हेल्प करेगा? रेगुलेटर्स दोनों ही रेगुलेटर्स की हेल्प करेगा कि जॉइंटली अब क्या कंडक्ट कर सकेंगे एक्सरसाइज को इन जब ब्रॉडकास्ट की फील्ड में और टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन की फील्ड में अब ये एक्सरसाइज ज्वाइंटली कंडक्ट कर सकेंगे। इट विल हेल्प देम टू वर्क क्लोजली इन एनहांसिंग म्यूचुअल कॉपरेशन एंड बायलेटरल रिलेशन। जो मदद करेगा क्लोजली बढ़ाने में एंड म्यूचुअल कॉपरेशन को बढ़ाने में और बायलेटरल रिलेशन को बढ़ाने में दोनों ही कंट्री की हेल्प करेगा, इंडिया और मलेशिया की। द एग्रीमेंट विल फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। और है ना जिस में आसान कर देगा जो इंफॉर्मेशन का मतलब एक्सचेंज है, रेगुलेटिव की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको किसकी? ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में एक्सचेंज करने में इंफॉर्मेशन और रेगुलेटरी और टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने में मदद करेगा। तो हम अब देख लेते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के बारे में हम देख लेते हैं। तो क्या एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है किसका? टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का। और इसको है ना 20 फरवरी 1997 को इसको
स्थापित किया गया था पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा, इसको स्थापित किया गया था। और इसका काम क्या, जो टेलीकॉम सर्विसेज है एंड टैरिफ हैं उनको एनर्जी रेगुलेट करता है जो भी इंडिया में ट्राइब। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, ताकि प्रमोट हो एनर्जी फील्ड, फैसिलिट हो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट में टेलीकॉम के सेक्टर में, जो एंड कॉम्पिटिशन फेयर हो ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट को प्रोवाइड कराना। और एनर्जी फिक्स करता है, एडवाइस करता है जो भी टैरिफ्स हैं टेलीकॉम सर्विसेज पर लगने वाले जो भी टैरिफ्स हैं उनको फिक्स करता है ट्राई। अगला करंट अफेयर्स, टू इंडिया गेट्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू एक्सप्लोर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। तो है ना, इंडिया को है ना एक राइट्स मिल गए, एक्सक्लूसिव राइट मिल गया कि है ना वो जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है ना उसको निकाल सके। क्या है अभी हम देख लेते हैं। तो इंडिया एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लोर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स फ्रॉम सीबेट इन द सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन हैव रिसेंटली बीन एक्सटेंडेड बाय 5 years। तो है ना ये सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन है ना, वहाँ से इंडिया है ना 5 साल तक अब है ना पॉलीमेटालिक नोड्यूल निकाल सकता है। तो ये अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया, तो ये इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी है, इसकी जो ना मीटिंग हुई थी 23वीं मीटिंग हुई थी किंगस्टन में, मतलब जमैका की शहर में बैठी थी, वहाँ पर कहा गया कि इंडिया है ना इंडियन सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन से 5 साल तक जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सप्लोर कर सकता है, जो कि इंडिया को मिला कि है ना उसके आसपास के जितना भी 7,500 square kilometers के एरिया है वहाँ से वो है ना पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकाल सकता है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, तो है ना इंडिया ने इसका पहली कंट्री बन गया था कि इसका स्टेटस ऑफ पायोनियर बनने वाले पहली कंट्री बन गया था इन्वेस्टर में, कि जो मॉड्यूल्स निकालने समुद्रों से गैर समुद्रों से निकालने में, और है ना और इसको है ना एक अलोकेट किया गया, एक एक्सक्लूसिव एरिया मिला है इंडिया को कि है ना सेंट्रल इंडियन ओशियन में एक एरिया मिला है कि है ना किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं उनको है ना सी से निकालने के लिए इसको 1987 में ये राइट मिल गया था। अब ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होती हैं, तो है ना इनको मैग्नीस नोड्यूल के नाम से भी जाने जाते हैं, जो पोटेटो साइज की होती हैं और जो कि है ना गहरे समुद्रों में पाए जाते हैं। मैग्नीस और आयरन के साथ साथ इनमें जो नोड्यूल्स में निकल, कॉपर, कोबाल्ट, लेड, मॉलिब्डेनम, कैडमियम, वैनेडियम और टाइटेनियम जैसी इंपोर्टेंट जो भी धातु हैं वो सब इसमें रहती हैं, जो कि डीप सी में पाई जाती हैं, जिसमें से निकल, कोबाल्ट और कॉपर तो है ना इकोनॉमिकली बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। अब हम है ना जो इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी के बारे में जान लेते हैं, ISA। तो है ना जो UN की एक बॉडी है, इसको है ना 1982 में इसको सेटअप किया गया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के द्वारा, इसको है ना सेटअप किया गया था, इसके अंतर्गत आती है और इसके जो हेडक्वार्टर है ना जमैका में, जमैका के किंगस्टन नामक शहर में है ना। और ये क्या करती है ना, जो सी में जो भी जितनी भी मतलब वर्ल्ड में जितनी भी डीप सी है, समुद्र है, सागर महासागर है ना, वहां से भी जितनी भी मिनरल्स या जो भी खनिज पदार्थ निकालना है ना तो इसकी अनुमति की जरूरत पड़ती है पहले। तो ये सब कुछ रेगुलेट ये इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी ये ही करती है। अगला, कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट वर्षाधारी। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है वर्षाधारी, जो कि तो क्या है प्रोजेक्ट, तो है ना जी क्या है, क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट है जिसको बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। इसके द्वारा क्या हुआ, एक एयरक्राफ्ट के द्वारा है ना केमिकल को स्प्रे किया जाएगा, क्यों, ताकि रेनफॉल आए। एक क्लाउड सीडिंग होता क्या, तो है ना इसको वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या होता है ना कि है ना एक आर्टिफिशियल बेस से है ना मॉइस्चर को इंड्यूस किया जाता है, क्लाउड बादल में डाला जाता है, जिससे कि है ना रेनफॉल होती है।